दोस्तों इंडिया पोस्ट में जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 30,041 पोस्ट जो कि दिया गया है, 3/8/23 इसका स्टार्ट डेट है और लास्ट डेट इसका 23/8/23 है। तो दोस्तों अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरने वक्त अगर मान लीजिए आपका पेमेंट कट चुका है लेकिन आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप किस प्रकार से पेमेंट को रिटर्न लेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पेमेंट को रिटर्न लेना है। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट का जो GDS वेबसाइट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोने में आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट ग्रीवियंस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे में देख पा रहे हैं ग्रीवियंस, इस पर आपको नॉर्मली क्लिक करा देना है। क्लिक कराते हैं दोस्तों आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट कैंडिडेट कंप्लेंट पोर्टल, यानी कि दोस्तों यहाँ से आप जो है ना कंप्लेंट कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है, सही तरीका क्या है, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, अगर नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल करके जनरेट OTP करेंगे ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल करके इसके बाद लॉग इन हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल चुका है, OTP भी यहाँ पे हम डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, नॉर्मली लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे। तो यहाँ से दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ से आप नॉर्मली जो है डिस्कस करके सॉल्यूशन पाइए, यहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या करना है, इस साइड में जो आप देख पा रहे हैं प्लीज़ रजिस्टर योर कंप्लेंट हेयर, यहीं से आपका जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे सिलेक्ट सर्कल विच रजिस्टर्ड फॉर, यानी कि जो आप अप्लाई कर रहे थे तो उस समय कौन सा सर्कल चूज किए थे, वो सर्कल यहाँ पे आपको नॉर्मली चूज कर लेना है। सर्कल चूज करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स आ रहा था वो हट जाएगा। इसके बाद देख पा रहे हैं बोला जा रहा है सिलेक्ट डिवीजन इफ़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे अगर आप डिवीज़न डाले हैं, यानी कि वैसे भी तो GDS का जो हम फॉर्म डालते हैं वहाँ पे जो है डिवीज़न डालना ही होता है, तो आप कौन सा डिवीज़न डाले थे वो डिवीज़न यहाँ से आपको नॉर्मली सिलेक्ट करा लेना है। सिलेक्ट कराते हैं, सिलेक्ट कंप्लेंट कैटेगरी पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ है जैसे कि रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, फी रिलेटेड, अप्लाई ऑनलाइन रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है फी रिलेटेड है क्वेरी, तो इस पर आपको नॉर्मली क्लिक कराना है। क्लिक कराने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटर कंप्लेंट, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना क्या है यही इसका मेन चीज़ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम लिख चुके हैं डियर सर, व्हेन वी वेयर इंटरिंग फॉर्म ऑफ GDS देन एट द टाइम ऑफ वाज पेइंग चलान ऑनलाइन बट ड्यू टू सर्वर इशू माई पेमेंट इज स्टक एंड फॉर्म फाइनल इज नॉट सबमिटेड, प्लीज़ गिव एनी सजेशन एज सून एज पॉसिबल। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है कि सर हमने जो है फॉर्म भरा था लेकिन फॉर्म भरने वक्त जो हमने चलान कटाया इसका पेमेंट रिटर्न नहीं हो पाया है, तो कोई सुझाव आप दीजिए। और साथ ही यहाँ पे आपको नाम लिखना है, नाम के सामने जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आप अपना नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे, ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर इसको कॉपी करा लेना है और कॉपी करके यहाँ पर इसके सामने आपको पेस्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर आपको डालना है कि कौन से मोबाइल से आप अप्लाई किए थे, साथ ही ईमेल आईडी डालिए, जो भी रजिस्ट्रेशन करने वक्त आपने ईमेल आईडी डाला होगा वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, साथ ही ट्रांजेक्शन आईडी। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो चलान कटा होगा अगर मान लीजिए डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे होंगे तो नॉर्मली आपके स्टेटमेंट में इसका जो है ना ट्रांजेक्शन आईडी दिया गया होगा, या फिर अगर मान लीजिए आप फ़ोनपे गूगल पे से अगर आप कर रहे थे तो यहाँ पे RRN नंबर वहाँ पे दिया जाता है, तो वो नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। साथ ही स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करा देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको जो है ईमेल पे इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, यानी कि वहीं पर जो है आपको रिप्लाई दिया जाएगा और साथ ही बताया जाएगा कि क्या आपका सॉल्यूशन है। तो कुछ इस प्रकार से नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है जिससे कि आप जो है पेमेंट यहाँ पे रिटर्न ले पाएंगे। या फिर दोस्तों ऐसा भी कभी कभी होता है कि पेमेंट करने के 2-3 दिन आपको बाद इंतज़ार करना है, ऑटोमेटिक ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। और नहीं अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा दिन हो चुका है और पेमेंट रिटर्न नहीं हो पाया है तो नॉर्मली आपको ये कंप्लेंट करना ही होगा।